फाइनली आ चुकी है सवाई भोज, जो सामने ही यह दिख रहा है देव नारायण जी का ये विशाल मंदिर। यहाँ पर देव नारायण जी की प्रतिमा लगाई हुई बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये है भूना जी मंदिर। इस प्रकार से यहाँ पर धूना जल रहा है। एक ये है प्राचीन घरट, ये है राबड़ी घर, इस प्रकार से राबड़ी दी जा रही है। How is the taste? Very delicious. Yeah. कैसी लगा? कैसा लगा? अच्छा, अब हम जा रहे हैं बादल महल को देखने के लिए। इसे देख लीजिए, आपको सारे मंदिर दिख रहे होंगे यहाँ से। चाय देखो भंडारे में मिल रही है हमें यहाँ पर आइसक्रीम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड स्वागत करता हूँ मेरे नए से ब्लॉग में। तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का ये सिटी है इसके अंदर ही मैं मौजूद हूँ। तो भीलवाड़ा डिपो के अंदर ही मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल। यहाँ से लेंगे एक बस जो कि आसिंद के लिए होगी, और वहाँ से हम जाएंगे सवाई भोज। कुछ ऐसा दिखता है भीलवाड़ा। ये जो है भीलवाड़ा का बस स्टैंड, तो यहीं से हमें बस मिलेगी जो कि रोडवेज की होगी, क्योंकि हमें पता नहीं है क्योंकि हम भीलवाड़ा फर्स्ट टाइम आए, तो यहाँ से कौन सी बस जाती है। तो यहाँ हमें जरूर आसिंद के लिए बस जरूर मिल जाएगी। और भाई कुछ इस तरह दिखता है भीलवाड़ा का बस स्टैंड। तो यहाँ से आपको राजस्थान के सभी एरिया के लिए आपको यहाँ से बस मिल ही जाएगी। तो फिलहाल तो अभी बस नहीं मिली थी यहाँ से। तो भाई यहाँ पे आए थे प्राइवेट बस स्टैंड, लेकिन यहाँ पे ही बस नहीं होगी, हमें बस मिलेगी यहाँ आगे की तरफ। तो यहीं आगे हमें हमारी आसिंद के लिए बस मिल जाएगी, तो यहीं से चलेंगे हम सवाई भोज आसिंद। और ये सामने आपको दिख रहा होगा नेहरू उद्यान, और ये बस जाएगी आसिंद। फाइनली आ चुके हैं सवाई भोज, और यहाँ से जो दिखता है अंदर, और आपको जो गानों की आवाज़ सुन के दिख गया होगा कि हम पहुँच चुके हैं सवाई भोज, और सामने ही यह दिख रहा है देव नारायण जी का ये विशाल मंदिर।
देख लीजिए यहाँ पर कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ से जुड़े हुए। भाई फाइनली यहाँ से हम ले रहे हैं पूजा। भाई फाइनली अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। जितने भी भक्तजन बजा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि भंडारे में बजा कर भोजन ग्रहण करें। चावल घोल सभी देवभक्तों का सभी देवभक्तों का अभिनंदन स्वागत। जो भी देवभक्त वो भक्त और ये है सवाई जी का मेन मुख्य मंदिर। भाई अभी मंदिर के पीछे यहाँ हम परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। ऐसा बना हुआ है मंदिर के पीछे, काफी लोग हैं यहाँ आगे पीछे सब जगह। सब सभी बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे, आपको दिख ही रही होगी। यहाँ पे यहाँ के जो पहले लोग देता है वो यहीं पर सारी माता जी का तो ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप देख। देवनारायण जी की प्रतिमा लगाई हुई है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। भाई फाइनली जो अभी जो हम मंदिर के मेन परिसर ये था वो देवनारायण जी सवाई जी का मंदिर, और उसके बाद जो हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर में तो यहाँ पर है ये शिव जी का विशाल मंदिर, तो यहीं पर अभी हम जो है दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पे जैसे नल आ रहा है और यहाँ से ये जो अभिषेक हो रहा है शिव जी का, एक बार देखिए आप। तो यहाँ पे जो काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर से, यहाँ पर जो माँ काल का यह मंदिर है, और यहाँ पे देखिए आप लोकल से जो काफ़ी जा रहे जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं।
और ये काका जी भी आए हुए हैं। काका जी आप कहाँ से आए हो? बांदीकुई से। अच्छा, कौन से जिले में पड़ता है? दौसा जिले में। अच्छा, तो ये दौसा से आए हैं सवाई जी और देवनारायण जी के दर्शन करने के लिए। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सवाई जी का देवनारायण जी का जो इतिहास है, कैसे देवनारायण जी ने यहाँ पे चमत्कार किया जिससे इतने संसार में यहाँ पर आते हैं? फूल में प्रकाश लियो जो माला शेरी में सवाई भोज की शुरू से मान चे 24 भाई की यहाँ खारी नदी पे झगड़ो हुए चे और क्या नाम से वह जयमंती रानी ने इनका सिर काट खुदन से कटवाया जी 24 की माला फेरी चमत्कार। काफी अच्छा लगा इनसे बात करके। ये तो ये आए थे दौसा से और ये आए हमारे पास सीकर से, तो इन्हें भी यहाँ के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो बताइए यहाँ के चमत्कार के बारे में। भगवान शिव देवनारायण उनके पिताजी का नाम सवाई भोज था और वो बगड़ा जिनको बोला जाता है वो 24 भाई थे और जो यहाँ पे पास में जो नदी है उसको लेकर यहाँ पर जो झगड़ा हुआ था और भगवान देवनारायण ने कमल के फूल पर अवतार लिया था। उनका जन्म नहीं होता, माता साडू उनकी माँ का नाम था। जिन्होंने पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी और देवनारायण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, तब उन्होंने कमल के फूल में अवतार लिया था और यहाँ पर बहुत सारे परोपकार करके उन्होंने अपने घोड़े के ऊपर बैठकर सब लोगों को गमन हो गए थे। और साथ में यहाँ पर ये श्रद्धालु जी भी आए। आप अंकल कहाँ से आए हो? हम आए लांबा जाटान से। अच्छा, कौन सा जिला है ये? नागौर जिला। अच्छा, ये नागौर जिले से आए हैं। ये भी देवनारायण जी की आस्था रखते हैं देवनारायण जी में? आ, तो भोपा देव। अच्छा अच्छा, देवनारायण जी की पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा? आप कितने कौन से टाइम पर आ रहे हो यहाँ पर? ओ, 3-4 दिन हो गया। अच्छा, तो आप पैदल आए हो? पैदल देवमाली से आया। अच्छा, अभी इधर तो गाड़ी से आया। अच्छा अच्छा, और तो कैसी व्यवस्था की हुई है? मतलब श्रद्धालु आते हैं ठहरने की खाने की यहाँ पर व्यवस्था? बहुत अच्छे है। अच्छी है। अच्छा बहुत ठीक, बहुत बढ़िया। साथ जा रहे हैं हम अगले मंदिर पे। ये है भूणा जी मंदिर और ये मंदिर अभी फिलहाल अंदर कोई नहीं जा सकता है, वैसे यहाँ बाहर रह के यहाँ से ढोक दे करके यहाँ पर अर्जी लगानी होती है। तो काफ़ी लोग देख रहे हैं आप, काफ़ी जगह यहाँ देखिए इस प्रकार से। और ये देख लीजिए आप भूणा जी के मंदिर को अंदर से। तो भूणा जी का जो मंदिर है इस प्रकार से बना हुआ है। अभी फिलहाल अंदर कोई नहीं जा सकता है। जो मंदिर है वो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विशाल मंदिर है। आदि एक साथ काफ़ी सारे अच्छा, देवनारायण जी के भाई थे जो भूणा जी थे। और जो है यहाँ पर जो ट्रस्ट है, ये महाराज जी है, जो महाराज जी है वहाँ पर जाकर यहाँ पर सब उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे। तो ये है यहाँ के महाराज महाराज महंत श्री सुरेश दास जी, जो कि यहाँ गोदान महादाव में आज इनका जो कार्यक्रम होने वाला है। तो ये थे महाराज जी, दास जी महाराज, जो यहाँ पर अपना आशीर्वाद दे रहे सबको। तो महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं कुछ इनके जो भक्त हैं वो। और साथ ही देख लीजिए आप किस प्रकार से यहाँ पर धुना जल रहा है एकदम सामने की तरफ। का प्रांगण ही बहुत बड़ा है, तो हम मंदिर में अभी चले जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। और काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ, छतरियाँ हैं जो कि बनी हुई है।
और साथ ही हम चलते हैं अब ऊपर की तरफ यहाँ से, और यहाँ पर जो मंदिर बने हैं वो हैं श्री नियाजी बगड़ावत, उनके मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। ये है नियाजी बगड़ावत, मंदिर परिसर कुछ ऐसे बना हुआ है। और साथ ही ये अब जो मंदिर आता है ये है साडू माता, तो ये मंदिर है जो साडू माता का, तो देखिए आप इस मंदिर को, साडू माता का ये मंदिर है। और साडू माता का मतलब कैसे यहाँ पर आना मंदिर बना हुआ है, मतलब कैसे मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, मतलब क्यों लोग यहाँ पर उनको पूछते हैं? मुँह बारा जिला को बारा अच्छा, थोड़ी जानकारी चाहिए थी मैं। हाँ जो बात है थोड़ी बहुत भाई चमत्कार चो डूंगरी पट्टे जलन लियो देव जी। हाँ डूंगरी डूंगरी पे। हाँ तो डूंगरी आगे है। और कुछ इस तरह का पहनावा होता है यहाँ का। और ये छतरियाँ बना हुई है काफ़ी सारी। प्राचीन गुड़ी, तो यही थी वो प्राचीन गुड़ी, तो इसको ये अभी तक जलाया जाता है, अभी तो कोई जलाता है इसको। अच्छा, तो ये प्राचीन जो गुड़ी थी, और ये है प्राचीन घरट। क्या पपड़ी? पपड़ी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है रबड़ी बनाई जाती थी, ये है प्राचीन घरट। ये इसको घुमाया जाता था और इसके द्वारा रबड़ी बनाई जाती थी। तो उस रबड़ी का करते थे क्या खाने के लिए? जो पहले मशीनें वगैरह नहीं थी। अच्छा, तो पहले जो मशीनें वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो उसके लिए खाने के लिए चक्की मतलब घरट को चलाकर रबड़ी बनाई जाती थी। ये काफ़ी समय पहले की बात है, लगभग 10वीं शताब्दी तक ये बात है। और ये प्राचीन घरट था। तो यही थी वो प्राचीन घरट। और ये पुराना मटका है जो कि लोहे का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है ये। हाँ नहीं लगा। अच्छा पुराना पुराना। और ये थी वो चक्की जिससे रबड़ी बनाई जाती थी। पता नहीं इस प्रकार से जाने कैसे इसको घुमाया जाता था। ये है राबड़ी घर, ये है राबड़ी घर। तो ये राबड़ी घर है, तो यहीं पर शायद रबड़ी मिलती होगी, तो वो घरट थी और यहाँ पर सभी के लिए रबड़ी मिलती है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर कटोरे दिए गए, तो यहाँ सब धो रहे उन कटोरों को। और यहाँ से उसके पश्चात, तो यहाँ से सभी को, तो यहाँ से कुछ रबड़ी को ले, उस कटोरे को लेना होता है, और उसके बाद इसको धो करके, और इसको धो करके फिर आगे की तरफ जाना है रबड़ी के लिए, क्योंकि यहाँ पर भंडारा रहता है रबड़ी का। और देखिए कितना स्टॉक है यहाँ पर, रबड़ी बनाई जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ से रबड़ी को लेकर किया जाता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रबड़ी दी जा रही है।
मोबाइल दे तो यहाँ पर हमारा जो साथी है और रबड़ी पी, हाउ इज द टेस्ट, हाउ इज द टेस्ट, वेरी डिलीशियस, या कैसी लगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो मैं भी इसको पीता हूँ, देखता हूँ कैसा इसका टेस्ट होने वाला। तो देखिए आप काफी सब जने यहाँ पर रबड़ी का स्वाद ले रहे हैं सब यहाँ पर। ये वैसे जो मैंने घरड़ बताया उसी से तो ये नहीं बनती है, देखिए घरड़ की तो नहीं है लेकिन जैसी भी ये काफी अच्छी है। इसको शायद बैठ के दिया जाता है तो मैं भी यहाँ बैठा हूँ और पी रहा हूँ। कुछ ऐसी दिखती है और इस लकड़ी को खाने पीने के बाद आपको इसे धोना होता है। यहाँ पर ऐसे रख दिया जाता है ताकि कोई भी आए तो उनको अच्छा यहाँ पर मिले। और यहाँ पर भीड़ कम हो ही नहीं रही है जैसे भी देखोगे आप। अब हम जा रहे हैं बादल महल को देखने के लिए। तो बादल महल का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ काफी अंधेरा हो रहा है अभी फिलहाल। ये बादल महल और यहाँ पर कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं। तो जैसा भी है काफी पुराने तरीके इसको बनाया गया है। और यहाँ पर विंडो देखिए आप, लकड़ी की हुआ करती थी उस समय यहाँ पर खिड़कियाँ, ये देखिए आप। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये सवाई भोज के मंदिर से बाहर का व्यू। तो ये है बादल महल और इसके आगे भी चलते हैं। और ऊपर से देख लीजिए आपको सारे मंदिर दिख रहे होंगे यहाँ से, चाहे वो बूढ़ा जी मंदिर हो चाहे साधु माता मंदिर हो वो देखेगा। और ये है सवाई भोज और देवनारायण जी का मंदिर। और अभी हम वापिस जा रहे हैं यहाँ सीढ़ियों से, जो कि बादल महल तो आपने जो देखा ही जैसा था वो तो राज्य अच्छा था। और ये भी काफ़ी पुराना गेट है, एकदम लकड़ी का बना हुआ है। ओ भाई यहाँ आके एक आपको वायर चीज बताऊँ, देखना आप देखना ये कितनी वायर चीज है। ओ भाई आप देखो ये मतलब यहाँ इतने इंसान होते हुए भी देव नारायण मंदिर ट्रस्ट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। जो भी देव भक्त है गौशाला में और जो भी अपने झंडे को यहाँ से लाता है पैदल यात्रा द्वारा वो यहाँ लगाया जाता है, झंडे को पैदल लाते हैं। तो जो भी अपने झंडे को है वो पैदल चल करके यहाँ लाता है, वापस लगाया जाता है। और देखिए आप पूरा मंदिर का प्रांगण कितना बड़ा हुआ है, कितना फैला हुआ है। अच्छा। अब देखना किस प्रकार से यहाँ पर कोई भी पैदल यात्रा आता है तो इस प्रकार से स्वागत किया जाता है इनका, बच्चे से ढोल वगैरह नगड़ा बजा के यहाँ स्वागत किया जाता है।
जाता है तो इस प्रकार से स्वागत किया जाता है उनका, निडल को आने वालों के लिए इस प्रकार से स्वागत किया जाता है। और यहाँ पे है कुछ फोटो स्टूडियो, और ये इस प्रकार से पूरे जो मंदिर है देवनारायण जी सवाई भोज का, वो इस प्रकार से फैला हुआ है। आप देख लीजिए इस मंदिर को, यहाँ से इसमें आपको सारे मंदिर को बताया गया है। और मंदिर का यही है, और हल्का हल्का अभी पानी आने लग गया है वैसे। फिलहाल अभी मंदिर से हम सभी मंदिरों से दर्शन करके आ चुके हैं। और यहाँ पर प्रसाद की काफी सारी दुकानें हैं। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था चालू है, गेट के पास छात्रावास में सभी भोजन करें। तो ये था सवाई भोज और देवनारायण जी का ये मंदिर, जो आपको पीछे दिख ही रहा होगा। तो यहीं पर हम आए थे, आसिन से थोड़ा पहले सवाई भोज के नाम से एक स्थान है, जो कि यहाँ पर देवनारायण जी के जो श्रद्धालु है उनका सबसे बड़ा और सबसे जो चमत्कार हुआ था, और जो उसी मंदिर में हुआ था। कहाँ से आए हो? अच्छा, पाली जिले से आए हो। तो देवनारायण सवाई भोज के यहाँ किस कौन से टाइम मतलब पहला दर्शन है यहाँ पे? तीसरा। अच्छा, तीसरा आते जाते रहते, मतलब साल के कैसे अनु साल हर साल आते हो? अच्छा, हर साल आते हो। तो कैसा लगा आपका जैसा भी अनुभव रहा? अच्छा, तो और जो व्यवस्था है यहाँ पर दर्शन करने? अच्छा, तो यहाँ भंडारा भी होता है? तो भंडारा भी होता है। अच्छा, तो वहाँ की व्यवस्था कैसी है? और यहाँ का छोटा सा इतिहास कैसा है, क्यों यहाँ पर देवनारायण जी को पूजा जाता है इतना? अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात। भंडारा, यहाँ पे भंडारा। हाँ, तो यहाँ पर जो महाराज आए उनके जो पावन हार्दिक सानिध्य में जो भी हो रहा है, मतलब उसी के द्वारा इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। भंडारे में हमको दी जा रही है आइसक्रीम, देख लीजिए आप भंडारा। तो ये है भंडारा, भंडारे में जो मिल रहा है वो है यहाँ पे आइसक्रीम। इसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ जो है काफी सारी पैदल यात्रा यहाँ पर आ रही है, पैदल यात्रा आती है।